पाकिस्तान के चुनावों में किसी भी दल को बहुमत न मिलने के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। इमरान खान समर्थित निर्दलियों के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली दो पार्टियां नवाज शरीफ की PMLN और आसिफ जरदारी की PPP के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। वोट पड़ने के वक्त तक नवाज शरीफ प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन बहुमत से दूर रह जाने के बाद वो अब PM नहीं बनना चाहते हैं। PMLN के करीबी सूत्रों ने ये दावा किया है कि पार्टी नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की बजाय अपने भाई शहबाज शरीफ का नाम PM पद के लिए बढ़ाने के लिए सोच रही है। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए आम चुनाव के बाद शुरू हुई वोटों की गिनती रविवार की सुबह तक चल रही है। चुनाव में मुख्य मुकाबला इमरान खान की पाकिस्तान PTI समर्थित निर्दलीय, नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल जरदारी भुट्टो की PPP के बीच देखा गया। इसमें PTI समर्थित उम्मीदवार सबसे आगे रहे। PMLN के बहुमत से दूर रहने के बाद अब वो सीनियर PP नेता आसिफ अली जरदारी के साथ बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि PPP ने बिलावल के लिए अहम मंत्रालय के अलावा जरदारी के लिए राष्ट्रपति पद की मांग की है। माना जा रहा है कि PPP बिलावल के लिए फिर से विदेश मंत्री तो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे आसिफ अली जरदारी के लिए फिर से वही पद मांगा है। लेकिन नवाज शरीफ एक तरफ PM पद भाई को देना चाहते हैं, तो बेटी मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पंजाब के CM रह चुके हैं। शहबाज के बेटे हमजा भी पंजाब CM पद की रेस में आगे माने जा रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के साथ सूबों की असेंबली का भी चुनाव हुआ। ऐसे में केंद्र के साथ साथ सूबों की सरकार को लेकर भी रसाकशी जारी है। पाकिस्तान में 265 सीटों पर चुनावों में PTI समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों को 93 सीट मिली, PMLN को 73, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 12 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को नेशनल असेंबली की 265 में से 133 सीटें जीतनी होंगी। नवाज शरीफ ने गठबंधन के लिए अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी से संपर्क करने का काम सौंपा है।